जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुणेखा स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में कि कब तक सर्टिफिकेट आएगा और क्यों अभी तक नहीं आया, क्या क्या इसके पीछे रीज़न है, वो हर एक चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोल दूँ कि जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे सभी लोग, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे इस काम को करने के लिए, इस YouTube वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने मुद्दे पे बात करते हैं कि सीटेट सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं आया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट रिजल्ट जो आता है उससे 15 दिन से 20 दिन के बीच में सीटेट सर्टिफिकेट डीजी लॉकर ऐप पर आ जाता है। डीजी लॉकर ऐप ऐसा ऐप है जहाँ पे आपका हर एक तरह का डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिल जाता है, आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे ही सीटेट का रिजल्ट भी और मार्कशीट दोनों डीजी लॉकर ऐप पे आ जाता है। तो अभी तक इस साल का रिजल्ट जो है वो तो आ चुका है, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अभी तक नहीं आया है डीजी लॉकर ऐप पे। तो कब तक आएगा, क्यों नहीं आया अभी तक, तो क्यों नहीं आया उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस बार एग्ज़ाम हुआ काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो इतना लंबा जब एग्ज़ाम गया तो रिज़ल्ट भी आने में काफ़ी समय लग गया। आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारी गलतियां हुई थी रिज़ल्ट में, बहुत सारा ट्रांसलेशन एरर, आंसर की में एरर, बहुत सारा एरर हुआ था। और फिर उसको सही करते करते जैसे तैसे रिज़ल्ट आया, वो भी बहुत मशक्क़त करना पड़ा था रिज़ल्ट के लिए, ट्विटर कैंपेन वगैरह काफ़ी कुछ करना पड़ा तब जाके रिज़ल्ट आया था। तो रिज़ल्ट जो आया है उस पर क्या हुआ है कि कुछ लोग मतलब कंप्लेन कर दिए हैं, कंप्लेन कि आपने हमारा रिज़ल्ट नहीं सही दिया है, हमने मेरे पेपर में मेरे शिफ्ट में इतनी गलतियां थी, इस एरर पे आपने मार्क्स नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके। तो कुछ लोग जैसे कंप्लेन किए हुए हैं, तो इस वजह से क्या हुआ है कि रिज़ल्ट को फिर से जाँच किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो सीटेट बोर्ड है अभी तक, सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट का जो रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन सीटेट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया है। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको जब पूरा वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको डीजी लॉकर ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐसी संभावना हम लोग कर सकते हैं कि इस महीने के अंत तक, यानी अप्रैल मंथ के अंत तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। कहाँ? तो डीजी लॉकर ऐप पे, ठीक है। डीजी लॉकर ऐप पे अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना आपको सीखना है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं एक अलग वीडियो इसके लिए बना दूंगा, ठीक है। और घबराने की बात नहीं है, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो कुछ लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट बदलेगा, क्या जो आया था वो रिज़ल्ट बदल जाएगा? तो इसकी संभावना मैं बोलूँगा 100 में से 5% इसकी संभावना है, बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि जो रिज़ल्ट एक बार आ गया वो उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे आसानी से बदल नहीं जाता है, क्योंकि सीटेट भी अपने हिसाब से रिज़ल्ट दिया है, हर एक चीज़ चेक करके काफ़ी समय लिया था रिज़ल्ट निकालने में, तो वो चेंज होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे का आ गया होगा, मेरा अभी तक आया नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, सीटेट सर्टिफिकेट भी आपका जो है वो डिजी लॉकर ऐप पे आ जाएगा। संभावना ये है कि इस महीने के आखिरी तक आ जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट की अभी कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो गया, सीटेट आप लोग पास कर गए, अभी आपको कहीं वैकेंसी निकली तो वहाँ पर फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम पास कीजिएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आएगा, मतलब आराम से 7-8 महीने की समय है आपके पास, तो उस समय आपको सीटेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इतना समय है तो घबराने की बात ही नहीं है, आप अपने अगले एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, अपने सफ़र में आगे बढ़िए, यहाँ इस सर्टिफिकेट की वजह से अपने सफ़र को रोकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए ये थी आज की बात, और जो आप लोग हमसे पूछ रहे थे कमेंट में, आप लोग कर रहे थे और मैसेज भी मेरे पास आ रहा था कि सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं आया, तो वो मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न है इसके पीछे। तो उम्मीद यही करेंगे कि इस महीने के आखिरी तक सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा डिजी लॉकर ऐप पे।
डिजी लॉकर ऐप से डाउनलोड करना सीखना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। तो ठीक है, आज यही बात थी, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।